वेलकम बैक टू माई ट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जो भी छात्र मेरठ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये पता होगा कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है और ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आने वाले हैं। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं, मतलब कि 85% यहाँ से फंसेगा। तो आपको थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, इस बात को याद रखना है। और कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। और हाँ, एक बात और बता दूं, आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप नोट्स भी हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर हमारी साइट पर जाएंगे paperhacker.in पर। www.paperhacker.in हमारी वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर भी आपको सारे आपको क्या करना है उस पर जाना है। और थोड़े से नीचे जाएंगे, जैसे कि सरकारी.com को आपने सुना होगा, जैसे वो साइट खुलती है वैसे ही हमारी साइट खुलती है। ऊपर आपको सारे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सारे मिल जाएंगे नोट्स। आप वहाँ टच करेंगे, नोट्स के अंदर नोट्स मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो लास्ट तक वीडियो बने रहना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को आपको देखना है। जो भी मेरठ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो ध्यान से देख लें, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप 85% प्लस लाना चाहते हैं, 85% प्लस, तो यहाँ से बड़े आराम से ला सकते हैं। तो यहाँ देखो, बोला गया है कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करने वाले हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं कह सकते हैं, देखो यहाँ वो लोग क्या, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं व्यवसाय। तो सबसे पहली बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस का अर्थ क्या होता है? देखो हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का अर्थ क्या होता है पहले तो ये जानेंगे। बिजनेस का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषता, महत्व, उनके विकास की अवस्थाओं के बारे में, मतलब कि जो बिजनेस है उसकी विशेषता क्या है, महत्व क्या है, विकास कैसे होता है, और बिजनेस के प्रकार कितने हो सकते हैं, मतलब बिजनेस किस किस टाइप से हम बिजनेस कर सकते हैं, ये हमें याद करना होगा। दूसरी बात होती है व्यावसायिक संगठन के महत्व। मान लीजिए जो बिजनेस है, बिजनेस संगठन है, ठीक है, उसके महत्व क्या है, महत्व के बारे में थोड़ा सा आपको याद कर लेना है। उसके बाद में एक देखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वही कराऊंगा, बाकी जो छुड़वाने का होगा वो क्वेश्चन छुड़वा दूंगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहां कह रहा है एक नवीन व्यावसायिक इकाई की स्थापना। नवीन का मतलब है एक, नवीन का मतलब है एक नया। यदि हम एक नया बिजनेस खोलते हैं, एक बिजनेस करते हैं एक नया, मतलब हमें कुछ भी जानकारी नहीं और अचानक हमने बिजनेस खोल लिया, दुकान खोल लिया, कुछ खोल लिया, हम बिजनेस करने लगे, ठीक है ना। अब बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी स्थापना आप किस तरीके से करेंगे? अब मान लीजिए उसका प्रारूप क्या रहेगा, मतलब बिजनेस की स्थापना करने का प्रारूप क्या रहेगा। अब प्रारूप के सामने सामने कुछ समस्याएं भी आती हैं। अब देखो कुछ या समस्याएं आएंगी नहीं आएंगी कि यार मैं माल कहाँ से लेकर आऊँ, ये कहाँ से करूँ, वो कहाँ से करूँ, पैसे नहीं, बहुत सारी समस्याएं हमारे बीच में आती हैं, तो उन समस्याओं को भी एक्सप्लेन करना है हमें। अब कह रहा है एकांकी व्यापार। अब देखो एकांकी व्यापार क्या होता है, गुणदोष उनकी विशेषता के बारे में बताइए। एकांकी व्यापार वो होता है जिसमें हम अकेले व्यक्ति जो काम वर्क करता है, समझ रहे हैं, वो एकांकी व्यापार के अंतर्गत आता है, मतलब एकांकी एक ही व्यक्ति के अंतर्गत वो व्यापार किया जाता है। अब देखो एक होता है साझेदारी। साझेदारी जानते हो, साझेदारी मतलब मान लीजिए मैं हूँ, एक और बंदा है, हमने एक बिजनेस खोला, ओपन कर लिया और उसको हम वहाँ से पैसे कमा रहे हैं, वो क्या है, साझे में काम कर रहे हैं हम लोग। साझेदारी के लक्षण क्या होते हैं, विशेषता और आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, साझेदारी के लाभ क्या होते हैं, और दोष भी आपको बताना है। लाभ का मतलब कुछ साझेदारी ऐसे भी होती है कि आपको पार्टनरी बहुत कम समय तक चलती है, उसके बाद में खंडित हो जाती है, भाई लड़ाई हो जाती है, कोई चोरी करने लगता है, उसमें अधिक लाभ हो रहा है, मुझे घाटा हो गया, उसको फायदा हो गया, तो ये चीज में तो उसमें दोष भी आपको देखने को मिलते हैं और उनके प्रकार देख लेना है, ठीक है। ये आपको एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत सारे मिल जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, वो होता है कंपनी। कंपनी जानते हो, कोई कंपनी है तो उसके प्रकार कितने होते हैं, मान लीजिए कंपनी कितने प्रकार की हो सकती है, तो आप हो गए निजी कंपनी। निजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, उसने मैंने ओपन कर लिया कंपनी को, और उसमें सिर्फ मैं अपने वर्कर अपने हिसाब से करूंगा, जो भी वर्कर आऊंगा, उसे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। टैक्स जरूर दूंगा मैं कंपनी, मतलब अपनी कंपनी का टैक्स जरूर दूंगा गवर्नमेंट को, लेकिन उसका हक कंपनी, मतलब सरकार का मेरी कंपनी पे कोई हक नहीं होगा कि भाई तुम ये प्रोडक्ट बनाओ, बाकी कोई और नहीं बना सकते, मेरी मर्जी है मैं क्या बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ एक होती है सहकारी। सहकारी सरकारी जो कंपनी होती है उसमें सरकार का, मतलब जो कहती है ना सरकार, कहेगी भाई ऐसा करो तो वही करना पड़ेगा उनको लोगों, तो ये चीज़ होती है। वही बात करूँ एक सहकारी संगठन का अर्थ क्या होता है, उसके लाभ दोषों के बारे में देखना है। और एक है षड्यंत्र, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पे लगा देना षड्यंत्र। षड्यंत्र स्थानीयकरण का अर्थ क्या होता है, प्रभाव करने वाले तत्व, उनके लाभ और महत्व के बारे में देख लेना है। देख लेना इस बात को, आपके पास बुक नोट्स गैस पेपर है तो उस पर टिक लगा लेना, यदि नहीं है तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको देखिए। यहां बोला गया है बेबर के उद्योग की स्थापना, इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, निर्धारण करने वाला सिद्धांत पूछा है। और यह षड्यंत्र विन्यास क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट पे लगा देना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। षड्यंत्र विन्यास क्या है, लाभ दोषों को विभाजित करने वाले तत्वों को देख लेना है और उनके स्थान निर्धारण के बारे में याद रखना। जो भी पेपर आपका होता है, पेपर होने के बाद में तुरंत आप उसका फोटो खींचेंगे, आप उसका फोटो खींचेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर 7037327838 आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें पेपर को भेज देंगे। समझ रहे हो मेरे मेरठ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट, समझ रहे हो ना आप सभी लोग, इस बात को याद रखना है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको व्यावसायिक इकाई के आस का है, व्यावसायिक इकाई के बारे में पढ़ लेना है, व्यावसायिक यूनिट क्या होती है, ठीक है। संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, संयोजन के से आप क्या समझते हैं संयोजन के बारे में। अब संयोजन देखो कई प्रकार के होते हैं, याद रखना। यहां बोला गया एक क्षैतिज संयोजन होता है, एक लंबवत संयोजन होता है, एक वृत्तीय या फिर चक्रीय संयोजन होता है, एक होता है व्यावसायिक संयोजन, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। संयोजन के प्रकार गुणदोष आपसे पूछता है, संयोजन के प्रकार देखो क्षैतिज संयोजन होता है, लंबवत संयोजन होता है, वृत्तीय संयोजन होता है, व्यावसायिक संयोजन होता है, और विवेकीकरण किसे कहते हैं, विवेकीकरण किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेना। विवेकीकरण, विवेक का मतलब होता है एक बुद्धिमानी व्यक्ति, ठीक है, उसके बाद विवेकीकरण किसे कहते हैं वो आप देखेंगे। वाणिज्य और उद्योग में अंतर क्या होता है, व्यापार और पेशा क्या होता है, पेशा का मतलब जानते हो, एक पेशा है हमारा कोई काम करना, ठीक है, मतलब यही पेशा है कि मैं किताब बेचूंगा, रोड पे खड़ा होकर मैं किताब बेचूंगा, ये मेरा पेशा है, कहते ना पेशा है काम करने का। एक होता है व्यापार, एक व्यापार है, तो उसमें आपको अंतर बताना है, व्यापार और पेशे में क्या अंतर होता है। चलो उसके बाद में क्या लगाओगे आप सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे व्यापार के प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, उनकी अवस्थाओं के बारे में, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के सिद्धांत के बारे में याद करके जाएंगे। ये सब आपको पढ़ के जाना है, एक बार पढ़ लोगे ना तो उनको बना बना के आप करके आओगे, इसलिए बोल रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, इसको पढ़ लेना है। रेखा अथवा उत्पादन अभिन्यास किसे कहते हैं, आप इसको पढ़ेंगे। विवेकीकरण और राष्ट्रीयकरण, देखो ये है विवेकीकरण, एक होता है राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण को पढ़ लेना, विवेकीकरण आप ऊपर पढ़ लोगे, ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा था। तो ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, मेरठ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हो याद रखना, ये मेरठ स्टूडेंट जितने भी हैं CCS यूनिवर्सिटी के हैं, CCSU 2022 की बात करने वाला हूँ, पूरे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कुछ बाहर नहीं जाएगा। इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% ला सकते हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू सभी को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।